सोच ऊंची हो, सपने को मंजिल तक पहुंचाने का जज्बा हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कैसे किया जा सकता है। इसकी मिसाल है भारत का रुपे कार्ड। पीएम मोदी 2 दिनों की सऊदी अरब की यात्रा पर थे। सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद के निमंत्रण की वजह से, लेकिन इस यात्रा का भी भरपूर इस्तेमाल देश के विकास के लिए उन्होंने किया। सऊदी अरब के साथ इस मौके पर भारत के जो समझौते हुए, उसमें सबसे बड़ा समझौता था रुपे कार्ड को सऊदी अरब में लॉन्च करने का। इस समझौते का फायदा सऊदी अरब में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को तो होगा ही, साथ ही रुपे कार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम और ऊंचा करेगा। भारत में तो पहले से ही मास्टर कार्ड और वीजा रुपे कार्ड से पिछड़ चुके हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन अमेरिकी कंपनियों की खैर नहीं होगी। रुपे कार्ड को लॉन्च तो साल 2011 में किया गया था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसका ठीक ढंग से प्रचार प्रसार ही नहीं किया। साल 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब पीएम मोदी ने खुद ये काम अपने हाथ में लिया और इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। परिणाम आप देख ही सकते हैं। न केवल ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे बन चुका है, बल्कि इसे सिंगापुर, भूटान, मालदीव्स, बहरीन और यूएई के साथ अब सऊदी अरब में भी लॉन्च किया जा चुका है। भारत के रुपे कार्ड को मोदी ने दुनिया का बाहुबली बना दिया है।